नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक बजट टैबलेट के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। आज मैं आपके सामने रिव्यू करूंगा गैलेक्सी टैब A9, जो कि मेरे पास एक वाईफाई वेरिएंट है, 4 GB रैम के साथ और 64 GB स्टोरेज के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि मैंने ऑफलाइन बाय किया है इस डेट को, 28/9/2024 को, और जो गांधीनगर में फ्लाई पॉट का जो शोरूम है, मैंने वहाँ से ये बाई किया। और पहले राम मैं जी, फर्स्ट लुक बताता हूँ आपको। तो जो जो भी लोग, जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा एक बजट टैबलेट में एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टैबलेट है। तो मैंने भी इसको लास्ट मंथ ही बाई किया और 1 महीने के बाद मैं इसका जो है रिव्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा। तो काफी इसकी अच्छी मेहनत स्क्रीन है, 8 इंच की स्क्रीन हमें देखने को मिलती है इसमें, और 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ इसको लेके। तो स्क्रीन साइज इतना अच्छा है, इतना हैंडी है आपको कि 8 इंच की स्क्रीन रहने वाली है हमें, तो बहुत ही अच्छा इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर वैसे तो मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा। तो इसके अंदर जो ये वाला वेरिएंट है, ये वाईफाई वेरिएंट है, और इसके अंदर GSM और HSPA वेरिएंट भी आता है, जिसमें जो है आप सिम का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी भी है कि ये आप बढ़ाना चाहें जितना बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए इसके अंदर 64 GB जो है इसकी अपनी इंटरनल स्टोरेज है। और इंटरफेस की अगर मैं बात करूं, जो सैमसंग का अपना एक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आता है वो इसके अंदर है। UI जो है इसका वो वैसा ही है, और इसके अंदर मैंने ये बिल्कुल अपने काम के लिए रखा है, तो टैब बहुत है ही ये। अच्छा। तो मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट में आपको ये ऐसा मिलेगा, इसमें जो UI वर्जन है वो 6.1 है, और एंड्रॉयड वर्जन जो है हमें 14 देखने को मिलता है। जब आप इस टैब को बाय करेंगे तो इसके बाद ही, उसके साथ ही आपको एक अपडेट आएगा एंड्रॉयड का, जिसमें सिक्योरिटी पैचेज और वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे, आपका जो डिवाइस है वो एंड्रॉइड 14 पे आ जाएगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखिए स्क्रीन साइज बहुत अच्छा है, और पर्सनली मेरे हर काम के लिए मुझे बहुत ही बढ़िया ये चीज़ लगती है। काफ़ी अच्छा इंटरफेस है इसका। और दोस्तों, सैमसंग का काफ़ी अच्छा एक कैलो ट्रस्ट है इसमें। चलाने में कोई, मेरे को अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट है, अच्छे प्राइस रेंज में। हालांकि इसके अलावा और भी लेनोवो भी है, या वो भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट सैमसंग एक बहुत अच्छा ट्रस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी इसकी LCD डिस्प्ले रहने वाली है। एग्जैक्ट जो साइज़ है वो 8.7 इंचज है। रेजोल्यूशन जो हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 800x1340 pixels, 5:3 की रेशियो में। एंड्रॉयड सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है बाई डिफ़ॉल्ट, वो मिलता है हमें 13, और जो अपडेट हो जाता है तो ये बन जाता है 14 इसका, जो कि सो यहाँ पे है। और जो बैक कैमरा है वो हमें देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल्स का। उसी के साथ साथ हमें जो इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, आप देख सकते हो मेरे सामने, बहुत अच्छी लुक है, बहुत बढ़िया और काफ़ी प्रोफेशनल लुक है। तो इसका लिंक जो है मैं अमेजोन का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो इसको। और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, प्लीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। इसमें हमें सब चीज़ें यहाँ बता रखी हैं। 8 मेगापिक्सल का कैमरा जैसे मैंने आपको बताया, 5100 की जो है mAh की बैटरी इसके अंदर देखने को मिलती है हमें, और जो वाईफाई है वो वाईफाई डायरेक्ट डुअल बैंड हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। कलर्स इसके अंदर ग्रेफाइट, सिल्वर और नेवी है। फिलहाल ये नेवी कलर है जो मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ। और जो इसके अंदर प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें MediaTek Helio CPU जो है इसका, चिपसेट जो है वो MediaTek Helio G99 में देखने को मिलता है, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसका, GPU, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। जो स्पीकर्स मिलेंगे हमें वो भी बहुत बढ़िया मिल रहे हैं इसमें, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जैसे ही। तो 1 महीने यूज़ के बाद मैं तो एक काफ़ी सेटिस्फाइड यूज़र हूँ। तो आप ऑफलाइन भी लेना चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरा यही रिव्यू है कि आपको, अगर आप एक बजट टैबलेट के बारे में प्लान कर रहे हैं, और जैसे आप सबको पता है कि दिवाली आ रही है इस टाइम, और गांधीनगर में जैसे ही आप सुवन थिएटर क्रॉस करोगे वहाँ से, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक जेन्युइन, मैं एक कस्टमर हूँ उनका, और कस्टमर नहीं इन द सेंस कि काफ़ी अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं, और काफ़ी अच्छी डील उन्होंने मुझे दी। मुझे लगता है कि ये जो
इस डील का फ़ायदा हर किसी को होना चाहिए। और इसके अंदर एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अभी मैं लूँगा इसका क्लिक। तो कैमरे की क्वालिटी क्या, टैबलेट्स में तो मतलब नॉर्मल क्वालिटी का टैब वो क्वालिटी तो इसके अंदर वही रहती है। टैबलेट जो मेन पर्पस है टैबलेट का वही है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए हमें। और मैं इसका एक आपको बहुत बढ़िया स्क्रीन क्वालिटी, काफ़ी अच्छी है देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन क्वालिटी के साथ हमें देखने को मिलता है। ये एकदम प्रीमियम फिनिश है, आप देख सकते हो चलाने में भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है और स्लिम भी है बिल्कुल। उसका भी सारा मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों इस पे डिस्काउंट भी चल रहा था अभी 8499 का, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि कोई भी बजट टैबलेट लेने के बारे में सोचा है उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है इससे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, जबकि मेरा चैनल जो है ये टेक पे भी दिखाता हूँ। और इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इसके अंदर अगर आपको वाईफाई वेरिएंट भी है, तो अब जैसे मेरे पास सैमसंग M32 का ये फ़ोन है, अब इस पे एक ऐसा फीचर है कि जैसे इसमें ये फीचर कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइस। अब जैसे ये वाईफाई वेरिएंट है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँ और इसके अंदर भी ये सेम चीज़ है, यहाँ से अगर मैं देखूँ दिखाऊँ आपको ये राघव M32 मेरे नाम से ये लिखा है, मेरे मॉडल का नाम M32 है। अब होता क्या है कि जब अगर मैं घर पे हूँ या बाहर हूँ उससे मैटर नहीं करता, अगर फ़ोन इस पे आएगा तो इस पे भी आ जाता है। जैसे कि मैं आपको भी बता भी देता हूँ, जैसे डायलर पैड मैंने खोला है, तो कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो देखिए है ये वाईफाई वेरिएंट, अब सेम फ़ोन्स जो मेरे को आए हैं वो इसमें भी आए हैं और इसमें भी आए हैं, क्योंकि ये मेरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है और ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे अच्छी लगी इस टैबलेट के साथ। अब मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, जैसे सपोज करो इसके साथ जो हमें केबल देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है ये, और इसको हम ऐसे अगर हम अटैच करें तो हम इसको यहाँ से अपने फ़ोन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके साथ में। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा फीचर है ये पर्सनली मेरे, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में हमारा हो जाता है डाटा ट्रांसफ़र, सेम वैसे ही इसके साथ भी हो सकता है हमारा। चूज़ एन ऐप टू MTP होस्ट, हम इसको चूज़ करेंगे, ऑलवेज करेंगे और फाइल्स करेंगे, इसको भी ऑलवेज कर देंगे, पूरा का पूरा फ़ोन हमें यहाँ खोलने देखने को मिल सकता है। जैसे मैं ये फाइल खोलता हूँ यहाँ पे, ये फाइल जो है मोबाइल में बट खोल मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे मेरे स्टडीज़ के लिए, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कोई बुक एक्सप्लोर करनी है तो यहाँ से अपने मोबाइल लगा के बड़ी स्क्रीन पे देख सकता हूँ ये सब चीज़ें। जैसे ये चीज़ है तो मैं ये भी आपको खोल के बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ मैं इस चीज़ का कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम इसके साथ में और क्या क्या पर्पस ये हमारे सर्व कर सकता है। ठीक है, और साथ में हमें देखने को मिलता है कि स्क्रीन व्यू एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है देखने को मिल रहा है हमें इसके साथ में, जो आप इसके साथ एडिशनली ले सकते हैं, जो कि मैंने भी लिया, काफ़ी अच्छा डिसेंट सा भी कवर है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी साथ में आप इसके परचेज कर सकते हैं एज एडिशनल एसेसरी, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी हैंडी है और इसके इसको प्रोटेक्शन भी काफ़ी मिल जाती है इससे। जैसे कि मैं पूरा आपको डेमो करके बताता हूँ, ये पूरा का पूरा जो टैब है इसके ऊपर आ जाता है, आप इसको मल्टी डायरेक्शनली मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है हमें। पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और हमें इसको इस तरीके से करेंगे तो ये यहाँ से भी मूव कर जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो है उस मैं रिव्यू करूंगा अमेज़ॉन के नेक बैंड का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद और शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा?